मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में समय केवल माहौल चल रहा है चुनावी, क्योंकि यहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं और साथ ही साथ यहां पर 24 के लिए भी लगातार सरगर्मियां चल रही हैं। सभी पार्टियां यहां पर पूरे जोर शोर के साथ 24 की तैयारियों में लगी हुई हैं। कारण 24 का जो परिणाम है वो बहुत कुछ पार्टियों के भविष्य को निर्धारित करेगा। बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है, कांग्रेस इस बार बीजेपी की सुपड़ा सांप की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी अपनी नई नीति के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है। INDIE गठबंधन की चर्चा हो रही है, पर गठबंधन में आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। ये बड़ा यक्ष प्रश्न हो चुका है कि जिस तरह से अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बयानबाजी हुई थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में 33 प्रत्याशी और राजस्थान में 6 प्रत्याशी उतारे गए, उसके बाद से स्थिति खराब हो चुकी है। उसके बाद आम आदमी पार्टी अलग ही नीति पर चल रही है और TMC और अन्य दलों का भी अब कुछ पता नहीं है कि कहाँ साथ रहेंगे और कहाँ साथ जाएंगे। ये बात मैं सूत्रों के आधार पर नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि जो स्थिति बता रही है उसके विश्लेषण करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। पर चूंकि यह चुनाव जरूरी है और बीजेपी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जिसके रास्ते ही हम केंद्र की कुर्सी तक पहुंचते, बहुत कुछ निर्णायक भूमिका उत्तर प्रदेश की रहती है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी 80 सीट जीतने की बात कर रही है, 64 पहले, 2 सहयोगी दल। पर यहां पर जिस तरह से 14 सीटों की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर भी लगातार बीजेपी मजबूती से आगे बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि 14 हारी हुई सीटों पर जहां बसपा सपा कांग्रेस जीती है, वहां पर एक नई रणनीति के साथ आगे जाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि वहां विस्तारक भी बैठेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि विस्तारक रिपोर्ट सौंपेंगे और रिपोर्ट यहां पर जो प्रत्याशी पद के दावेदार हैं, जो लोकसभा की प्रत्याशी हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेगी और समीक्षा भी करेगी कि यहाँ पर किसके साथ यहाँ जोड़ना है, किसको यहाँ पर हटाना है। क्योंकि यहाँ पर सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तो जा चुका है, पर यहाँ पर जो 14 हारी सीटें हैं उस पर बहुत मंथन के बाद ही प्रत्याशी तय होने हैं। और इस बार जो निर्णायक भूमिका रहेगी वो बीजेपी की संसदीय समिति की भी रहेगी और उत्तर प्रदेश के जो संगठन है उसकी भूमिका भी रहेगी यहाँ स्पष्ट करने में कि इस बार टिकट किसको दिया जाएगा। खैर, यहाँ यह भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश चुनाव की तर्ज पर यहाँ पर बड़े बड़े नाम जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं, उनको भी यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। यानी हो सकता है उनको भी प्रत्याशी बनाया जा सके, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मध्य प्रदेश में तमाम बड़े नामों को प्रत्याशी बनाया गया, केंद्रीय मंत्री को प्रत्याशी बनाया गया, वो स्पष्ट करता है कि 24 चुनाव के चलते बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। तो समाजवादी पार्टी भी वहां पर सामाजिक न्याय यात्रा के माध्यम से अपने आप को मजबूत करती चली जा रही है। वहां पर भी बैठकों का दौर लगातार जारी है और उन बैठकों के माध्यम से अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक कैसे जीतना है उसका गुर भी देते नजर आ रहे हैं। लगातार सक्रिय है और बीजेपी को चुनौती देने का पूरा पूरा यहाँ पर प्रयास चल रहा है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद संजीवनी पाई हुई है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने भी अपनी लोकप्रियता को बढ़ाया। उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि राहुल गांधी अलग अलग मंचों से बीजेपी को खुलेआम आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी यहाँ पर केवल केवल ठगने का काम कर रही है और जिस तरह से यहाँ पर लगातार कटाक्ष चल रहा है वो बताते हैं आगे भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। पर जिस तरह से राहुल गांधी और तमाम बड़े नाम चुनावी समर में उतर चुके हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, उससे स्थिति साफ हो गई है कि अब अगर यहाँ पर चुनौती 5 विधानसभा चुनाव में मिल रही है तो 24 चुनाव भी यहाँ पर चुनौतीपूर्ण होने वाला है और यहाँ पर बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है जितना बीजेपी आकलन कर रही है। क्योंकि यहाँ पर सभी चुनावी समर में उतर चुके हैं और खासतौर पर सस्ता गैस सिलेंडर और इसके साथ साथ OPS जैसी एक महत्वपूर्ण योजना को लागू करने की बात भी यहाँ पर बाधे में लाई है कांग्रेस। निश्चित रूप से वो भी आने वाले समय में 24 चुनाव में कांग्रेस की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। अगर जनता ने उस चीज को समझा और स्वीकार किया तो यहाँ पर जो 3 राज्य जो महत्वपूर्ण हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां पर बीजेपी को मुश्किलें बढ़ी आ सकती हैं। मिजोरम और तेलंगाना की बात हम अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, पर 24 चुनाव में इसलिए सबकी तैयारी है। मैंने आपको कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बीजेपी की रणनीति बताई तो यहाँ पर RLD भी और लगातार चर्चाओं बनी हुई है और RLD भी यहाँ पर पश्चिम की बड़ी बड़ी सीटों पर अपनी ताल ठोकती नजर आ रही है। वो कह रही है कि पश्चिम की 8 से 10 महत्वपूर्ण सीटें ऐसी हैं जिन पर हमारा जो हिसाब किताब है बड़ा मजबूत है, हम मजबूत हैं और वहाँ पर हमको सीटें चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी कई मायनों में बोल भी चुकी है, कई मौकों पर अखिलेश यादव ने कहा भी है कि हम सीट लेने वाले नहीं बल्कि हम सीट देने वाले हैं। पर यहाँ पर RLD को
कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी सीटों पे यहाँ पर सामंजस्य बैठेगा, ये भी बड़ा प्रश्न रहेगा। और आईएनडीआई गठबंधन उत्तर प्रदेश में होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितनी पार्टियां आईएनडीआई गठबंधन से अलग एक गठबंधन करके अपने आप को सीटें देती नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ पर सीटों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और बीजेपी की अगर मिशन 80 को रोकना है तो उसके लिए यहाँ पर सभी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। पर फिलहाल जो एकजुटता है यहाँ नजर नहीं आ रही, और महत्वपूर्ण चर्चा में से है चुनावी तैयारियों को लेकर चुनौतियां बीजेपी के लिए लगातार बढ़ती चली जा रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। प्रवक्ता भाजपा से इंजीनियर देशबंधु दीक्षित पर पक्ष रखेंगे, नितिन सिंह यादव समाजवादी पार्टी से अपनी राय देंगे, पन्नी राज शर्मा कांग्रेस पार्टी से अपनी राय देंगे, रालोद से हमारे भाई आशीष तिवारी जी अपनी राय देंगे, और राजनीतिक विशेषज्ञ रूप में हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे। आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा प्रवक्ता भाजपा से, देशबंधु भाई 80 सीट जीतने की बात उत्तर प्रदेश में, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस बार हैट्रिक की बात कर रहे हैं, पर हमने ये भी देखा है कि हैट्रिक इतना आसान नहीं है। और अगर 10 साल सरकार की बात करें तो आपसे पहले भी कांग्रेस सरकार 10 साल का कार्यकाल कई बार पूरा कर चुकी है, आपको जानकारी है, कोई नई चीज नहीं है। पर जिस तरह से आप 80 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, 14 हारी सीटों को भी जीतने की बात कर रहे हैं, संभव कैसे होगा, बड़ा सवाल। और यहाँ पर जिस तरह से अन्य पार्टियां चुनावी समर में उतर चुकी हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे आरएलडी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी चुनावी समर में उतर चुकी है और लगातार अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह फूंकती नजर आ रही है। अब फूकना ही पड़ेगा क्योंकि समय यहाँ पर बड़ा केवल कम बचा है, केवल 5 महीने। देशबंधु भाई चुनौतियां बड़ी हैं, कैसे निपटेंगे और 80 सीट जो जीतने की बात आप कर रहे हैं उसको कैसे पूरा करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई, और सर्वप्रथम आज संपूर्ण देशवासियों और प्रदेशवासियों को और आपके प्राइम टीवी की समस्त टीम को जी नहाए खाए की छठ पूजा है, तो महामाई छठ जी को याद करते हुए सभी को छठ पर्व की महापर्व की बहुत बहुत बधाई जी, और महामारी सबको ढेर सारी खुशियां दे। क्या बात, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में आपने उठा दिया है। लेकिन गौरव भाई बार बार आप कहते चुनौती, चुनौती हमारे समक्ष कोई नहीं। अच्छा देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, जब कोई बच्चा नंबर लाता है तो जो एक अपना लक्ष्य रखता है जी, तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की और आपने बहुत सारे विस्तार से कहा, तो मैं एक ही लाइन करूंगा कि हमने 2014 में 75 सीट और तब हमारे प्रभारी गृह मंत्री अमित शाह जी थे, तो हम 80 में 75 सीट जीत चुके हैं इसी उत्तर प्रदेश में, यह बात तो सर्वविदित है। तो जब हम 75 सीट जीत चुके हैं उसके बाद आपने देखा 71 थे और सहयोगी दल मिला के हम 73 हो गए थे, तो हम उसके बाद 19 में भी आपने देखा होगा कम होगा, 19 कम हो गया, नहीं कम हो गया 64। तो जब मार्क्स कम ज्यादा होते हैं तो देखिए जब 73 है तो हम ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि 80 है। अच्छा तो जब ऐसा ना 19 और नीचे हो जाए, नहीं देखिए गौरव भाई चमत्कार हो जाएगा, नहीं गौरव भाई देखिए प्रयास अब पहले जो है प्रयास हमने किए और अपनी जो भारतीय जनता पार्टी की 2014 से जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बागडोर संभाली है, अच्छा तब से जनता जनार्दन के जो गरीब किसान बेरोजगार के हित में और समाज के हित में जो काम हुए हैं उसके बल पे, और यहाँ तक कि आपने देखा होगा 37 वर्षों बाद हमारे कर्मठ और ऊर्जावान मुख्यमंत्री जिन्होंने कानून व्यवस्था का एक ऐसा उदाहरण दिया, क्या बात कि हम रिपीट होकर पुनः आए, बहुत बढ़िया बात है। तो इन मोदी और योगी की जो हमारी सामूहिक शक्ति है वो प्रेरणा देती है। देखिए जब हम तैयारी करते हैं तो बूस्टअप होते हैं तो हमें लगता है 73 अगर हमने पाया है तो 80 में 80 पाएंगे। अच्छा, अच्छा। और ये तार्किक चीज है और मैं इसको लॉजिकल मान रहा हूँ कि पहले तो हम आपने देखा होगा वो एक दौर था 2014 का जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने डोर संभाली, तो आपने देखा वो निराशा का दौर था, एक ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर निराशा का दौर था, क्या अरे घोटालों की सरकार आप देखते थे आए दिन, क्या आपने कवरेज नहीं किया, आप एक इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, बार बार आपने कवरेज की, बहुत रोज घोटाले में आता था तो आप इसी चैनल पर कहते थे आज ये घोटाला, अच्छा, फिर आता था ये घोटाला। और उस निराशा के बादल से जब 14 में बागडोर हमारे गुजरात से मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री आए और उन्होंने बागडोर संभाली, अच्छा। तो ये 9.5 वर्ष का जो विगत कार्यकाल रहा और जब से 2017 से उत्तर प्रदेश की बागडोर ऊर्जावान मुख्यमंत्री के हाथ आई, तो जो योगी और मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है इनने जो विकास के जो कार्य किए हैं सबका साथ सबका विकास, और वो एक हमने अपना स्टैंडर्ड मान लिया है कि हम इसी के बेस पे
और अपने जो विकास कार्य और जनता के हित के मुद्दे हैं उनके अच्छा। बीच जाएंगे अच्छा। और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे और देखिएगा उसी आशीर्वाद में, और आपने देखा आज भी देखिए सर्वप्रथम लोकतंत्र की जीत हुई और मध्य प्रदेश में देखा बहुत जनता को धन्यवाद कि उन्होंने लोकतंत्र की मजबूती के लिए नहीं भर वोट दिया। तो हम उसके बल पे आप देखिएगा 2024 में फिर सरकार बनाएंगे। और आपने देखा i.n.da पिछले विगत जो अरे हम कह रहे हैं एनडीए गठबंधन यार घमंडी गठबंधन जो भी इन लोग के वाक्पटुता हुई है या जो भी इनके शब्द विशेषण आए उसके द्वारा देखिएगा हम अपनी बातों को देखिएगा हम तीसरी बार यशस्वी मेरा सवाल ले लीजिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ा अच्छा लगा, सबको बड़ा अच्छा लगा, पर मेरा सवाल है आपने कहा चुनौती कोई नहीं, अगर चुनौती कोई नहीं तो मई से आपके लगातार अभियान चल रहा है, चाय पे चर्चा, टिफिन पे चर्चा, जगह जगह चर्चा, दलित आंदोलन अभियान, और प्रयागराज में कहा जा रहा है कि ओबीसी महाकुंभ भी करने जा रहे हैं। अगर चुनौतियाँ कोई नहीं रही तो हिमाचल भी हार गए, अति उत्साह था लगता है, अति विश्वास था, कर्नाटक भी हार गए, वहाँ पर प्रधानमंत्री भी गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए, तो अति विश्वास में तो नहीं, अति विश्वास यहाँ भी हो तो यहाँ भी नुकसान हो जाए कि चुनौतियाँ आप मान नहीं रहे हैं जो अन्य पार्टियाँ हैं। गौरव भाई सवाल पूरा ले लीजिए, तो चुनौतियाँ आप मान नहीं रहे पर चुनौतियाँ ना मानने के बावजूद आप मई से लगातार चुनावी अभियानों में लगे हुए हैं, अगर चुनौतियाँ नहीं है तो निश्चिंत रहिए आराम से, जब जनता का आपको बोलने साथ आपके साथ में है, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, जनता खुश है, तो इतने अभियानों की आवश्यकता क्या है? और दूसरा आप चुनौती नहीं मान रहे हैं तो ये अति विश्वास है, आत्मविश्वास है, या एक ऐसा कथन है जिसको लेकर आप एक लहर बनाना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा ही विश्वास हिमाचल में भी नजर आया था और कर्नाटक में नजर आया था, दोनों जगह आज चुनाव हार गए। नहीं गौरव भाई आपने एक ही वाक्यांश में दो तीन, तो सबसे पहले आपने जो बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की ये परिपाटी रही है अच्छा। विश्व का सबसे बड़ा संगठन ऐसे ही हम नहीं कह जाते अच्छा। हमारा एक एक कार्यकर्ता सिपाही की तरह हमेशा अनवरत 365 अच्छा। दिन और प्रत्येक दिन 24 घंटे अच्छा। जनता के हित में, यहां तक कि आपने देखा होगा लगभग 22 वर्षों के जीवन काल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक भी छुट्टी नहीं ली, वो दिन रात जनता के हित में और जनता के बारे में सोचते हैं, और आज उसी का है कि विश्व पटल पे भारत जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, देखिएगा आने वाले वर्षों में। और रही बात आपने कहा अभियानों में और के द्वारा, हम जनता के द्वारा जानते हैं, जनता के बीच जानते हैं, हम कमरे के अंदर ट्विटर नहीं खेलते हैं अच्छा। या समय आने पर जब चुनाव होते हैं तो इटली चले जाते हैं या लंदन चले जाते हैं या अमेरिका में जाके भारत की बुराई करते हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच रहता है अच्छा। जनता के बीच उठता बैठता है, चाहे किसी भी वर्ग जाति विशेष का हो, हम सबके बीच जाते हैं। जैसे मोर्चों के आपने सम्मेलन के बाद की अभियानों के विश्वास, आत्मविश्वास या केवल कथन? नहीं नहीं विश्वास तो है ही, देखिए अगर देखिए विश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता अगर तैयारी करते हैं। अति विश्वास नहीं, देखिए विश्वास अच्छा होता, अति तो किसी भी चीज अति सर्वत्र वर्जते, अति हम नहीं करते, लेकिन हम जनता के द्वारा, आप अपने शब्दों को ना कहिए, जनता के बीच जाते हैं और जनता की समस्याओं को समाधान, देखिए जैसी सृष्टि हम समस्या का समाधान ढूंढते हैं और ये हर समाधान में समस्या ढूंढते हैं, यही इनकी हमारी परिपाटी में अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा निरंतर जनता से, तो आप 80 से जीतने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा हम 80 का लक्ष्य देख रहे हैं और अधिकतम देखिएगा आप, हम अपने 2000 और जो 14 का रिकॉर्ड है वो तोड़ेंगे, इस बात के लिए मैं सर्वथा विश्वास है मुझे। चलिए विश्वास है, चलो नाती विश्वास ना कथन विश्वास है। नितिन भाई इनको विश्वास है जी, आपको विश्वास है कि नहीं है इनके चुनावी रथ को रोकने का? नहीं, इनका अपना विश्वास है, हमारा अपना विश्वास है जी, इनका विश्वास है भाई ये 2014 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे अच्छा। मेरा विश्वास है ये 2019 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे अच्छा, हारने के मामले में अच्छा, हारने के मामले में अच्छा। हाँ मेरा विश्वास है कि पहले 14 में हाँ, जो पोजीशन थी उससे घट करके 19 में जो पोजीशन आई थी अच्छा, अब 19 से घट करके हाँ, फिर अब 24 में जो पोजीशन आने जा रही है अच्छा, वो इकाई के अंक में होगी, रेखा के अंक में होगी, हमारा विश्वास है। दहाई भी नहीं होने वाली, बिल्कुल इकाई के अंक ना ही नहीं होगी। बड़ा स्टेटमेंट आपने दिया है ये, बिल्कुल मैं गौरव भाई मैं कह रहा हूँ कि जैसे केबीसी में कहा जाता है लाख कर दिया जाए हाँ, तो मेरी इस बात को केबीसी में लाख कर दिया जाए, लाख कर दी जाए ठीक है, लाख पुरस्कार नहीं मिलेगा आपको? नहीं वो कोई बात नहीं, पुरस्कार हमें मिल जाएगा जिस समय वो रिजल्ट आएगा जी, और हमारा कथन सत्य होगा यही हमारा पुरस्कार होगा।
क्या बात है, इस देश में झूठों की, मक्कारों की, बेईमानों की सरकार चली जाए, गरीबों के, पिछड़ों के, हितों के, अल्पसंख्यकों के हितों का उनके जीवन में उत्थान लाने वाली एक सरकार इस देश में बन जाए, यही हमारा पुरस्कार होगा। ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी उनके प्रवक्ता हमारे बंधु जी बहुत लंबी बात कर रहे, 4 से 14 तक घोटाले गिना रहे थे। हाँ। ये बात सही है कि 4 से 14 तक कुछ घोटाले हुए। अच्छा, कुछ घोटाले, उसमें कुछ लोग जेल गए। हाँ। कुछ लोग जेल गए, कुछ बरी हो गए, बाद में रिजल्ट आया कि नहीं वो घोटाले नहीं थे। अच्छा। वो एक क्लर्कियल मिस्टेक थी, उसको बीजेपी ने बहुत बड़ा घोटाला बताया था। अच्छा। लेकिन फिर भी उस समय के लोगों में कुछ नैतिकता थी। हाँ। तो अपने लोगों के खिलाफ उन्होंने जांच भी की, उनकी गिरफ्तारी भी की और जेल भेज दिया जी। लेकिन इस समय जो घोटाला सरकार है गौरव जी। हाँ। ये महाघोटालों की सरकार है। महाघोटाले। अच्छा। और उसके महाघोटालों की सरकार है। अच्छा। और उसकी निर्लज्जता देखिए कि जो महाघोटालेबाज लोग हैं। हाँ। उनको गोल्डन पास दिए गए। अच्छा। साइप्रस में गोल्डन पास मिल गए हैं, वो विदेशों की नागरिकता ले चुके हैं। अच्छा। भारत में भी रहते हैं, भारत में कारोबार कर रहे हैं। और हाँ। जब कोई व्यक्ति सवाल उठाए कि ये पैसा किसका, तो हाँ। गोलमोल बात होती है। ईडी, सीबीआई, आईटी के लोगों को बुला के कह दिया जाता है, खबरदार ये हमारे मित्र हैं, इनकी तरफ तो नजर उठा के भी नहीं देखना, ये सामने भी पड़ जाएं घोटाले। अच्छा। करते हुए इनको देखकर आंखें बंद कर लेना है। अच्छा। कान पट्टी बांध लेना है, सर झुका लेना है। अच्छा। इनको अदब से सलाम करते हुए निकल जाना है। अच्छा। वरना क्या कारण है कि एक आपके बंदरगाह में कितनी बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ मिला था, कहां से आया था, किसका है, लोकल पुलिस ने अगर वहां पर कुछ धरपकड़ कर ली थी, वहां से लोकल पुलिस तक हटा दी गई। तो ये प्रमाण है बहुत सारी चीजों की, जानकारी नहीं मिल पाई। नितिन भाई अदृश्य हो गया, चाइना हमारे घर में घुसता जा रहा है जी। और हमारे प्रधानमंत्री बड़ी निर्लज्जता से कह देते हैं, ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया है। घोटालों की स्थिति है कि इनका एक विभाग जो स्वास्थ्य के मामले में कुछ कार्ड वार्ड बनाता है, एक ही मोबाइल नंबर से 10 लाख लोगों का पंजीकरण हो जाता है, उनका इलाज भी हो जाता है। ठीक, ये किस कैसा घोटाला है भाई? मेरा सवाल ले लीजिए उत्तर प्रदेश के जी। मेरा सवाल ले लीजिए। देशबंधु भाई ने यहाँ खुले मन से कहा कि कोई चुनौती उनके सामने नहीं है, तो ये चुनौती जो वाली बात, आपको क्या लगता है, विश्वास है इनका, अति विश्वास है? दूसरी बात नितिन भाई, जिस तरह का अभी स्थिति चल रही है, आपने कहा कि सरकार यहाँ बदलने वाली है, तो सरकार यहाँ किसकी बनने वाली है? क्योंकि INDIE गठबंधन की अगर बात करें तो उसमें तो आपको हालत पता ही है, किस तरह सिरपटकगोल हुआ था, क्या बयानबाजी हुई थी, अभी भी वो रार खत्म नहीं हो पाई है, तो यहाँ कौन अगुवाई करेगा? दूसरी बात, देशबंधु जी का जो आप लोगों को चुनौती ना मानने की बात, उस पर क्या कहेंगे? देखिए चुनौती ये तो, आपको एक बात बताएं जी, एक उदाहरण देता हूं, बड़े आप हंसी का भी विषय आएगा। एक दौर में 1998-99 की बात है गौरव जी, एक मिनट का समय लेंगे, बड़ा अच्छा किस्सा याद आ गया। बोल लीजिए। हाँ। तो एक व्यक्ति मेयर का चुनाव लड़ रहा था, हम लोग उस समय की बड़ी पॉलिटिक्स में थे, तो हमारी पार्टी लड़ रही थी जी। तो एक मेरे मोहल्ले का जी गुप्ता था, नाम था उसका उपेंद्र। अच्छा। वो साइकिल से मसाला वगैरह, हल्दी मसाला घर घर बेचने का काम करता, बहुत गरीब आदमी था जी। उसको भी किसी ने सलाह दे दी तो उसने भी मेयर का नामांकन भर दिया। क्या बात है। और काउंटिंग में हम लोग भी थे, काउंटिंग में वो भी मेरे बगल में खड़ा था जी। तो पूरी काउंटिंग लगभग 10-15 लाख वोटों की काउंटिंग जिस तरीके की होनी थी, महानगर चूंकि कानपुर बड़ी वोटिंग थी, हो चुकी थी 110 वार्डों की, तो उसको करीब 15-20 वोट मिले थे महापौर के इलेक्शन में, जो गलती से दब जाती बटने जी। तो जब हमने कहा उपेन भाई क्या हाल, तो उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा था, हाँ। नितेन भाई मैं ही जीतूंगा, ये आखिरी वाला बक्सा खुलने दो। क्या बात। जब कम से कम 250 वोट मात्र खुलने थे जी। और वो करीब कई लाख की लीड, जो जीत हार का अंतर था कई लाखों में हो चुका था जी। जीतने वाले 2-3 नंबर वाले 4 लाख 3 लाख 2 लाख के वोट पा चुके थे। जो व्यक्ति 60 वोट पाया था, हाँ। वो भी बड़े उत्साह से कह रहा था, नितिन भाई अगर 2 आखिरी वाले बक्से खुलने दो, इसमें पूरा वोट हमारा है, हम ही जीतेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये देख सकते हैं। इसलिए ये कहें कि चुनौती नहीं है, स्वीकार करता हूं, इनके लिए नहीं होगी। हाँ। अब बात आती है आपके दूसरे प्रश्न पर जी। सरकार किसके बनेगी? सरकार जो भी होगी वो समाजवादी के समर्थन के बगैर नहीं होगी। नाम ले लीजिए भाई, नाम ले लीजिए सरकार, नाम ले लीजिए भाई।
मैं अब देखिए, अभी नाम लेने के लिए हम लोग अधिकृत नहीं है। अच्छा ठीक है, जो भी सरकार होगी वो समाजवादियों के सहयोग से ही होगी, चलिए जो पीएम होगा वो समाजवादी ही होगा, समाजवादी के सहयोग से होगा। अच्छा, एक बात, ठीक है, ये देश की आवश्यकता है। अच्छा आ सकता है देश में आपने बहुत सारे दौर देखे हैं जी। कि जब आंधी तूफान चलता है ना तो बड़े बड़े दरख्त जमीन से उखड़ जाते हैं। अच्छा एक दौर चला था कि जब जो ये कह रहे ना 60-80, एक दौर में उत्तर प्रदेश में एक पार्टी 80-80 सीटें जीत चुकी है जी, ठीक, और उसी का दोबारा दौर आया कि वो पार्टी 80-80 सीटें हार गई जी। ठीक है, दोनों दौरा आप तो पत्रकार हैं, आपने देखा, इसी उत्तर प्रदेश ने प्रमाण दिया है कि एक पार्टी 80-80 सीटें जीत भी चुकी है और वही पार्टी 80-80 सीटें भी हार गई, और उस दौर की सर्वमान्य नेता बहुत बड़ी इंदिरा गांधी जी थी, वो भी चुनाव हार गई। बिल्कुल सही बात है, ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश और देश की जनता है, ठीक है रितन भाई, बहुत धैर्य रखती है, शांति से सबको सुनती है, ठीक है, देखती है और क्या परिणाम आता है वो जनता बता देती है। ठीक है ठीक है, कानपुर वाला स्थिति ना हो कि आखिरी बक्सा खुलवाया जाए। ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस राज शर्मा, राज भाई जी, देशबंधु भाई बोले कुछ चुनौती नहीं है, हिमाचल कर्नाटक जीत के गए हैं और यहाँ पर पूरी तरह यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। खैर देशबंधु भाई कहना है हम लोग लगातार मेहनत करते हैं और किसी को चुनौती नहीं मान रहे हैं, और इस बार 80 सीटें जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में और हैट्रिक मार रहे हैं, कैसे देखते भाई? मैं गौरव भाई नहीं है आप लोग, पर थोड़ा समय दे दीजिएगा, बहुत बातें मैंने देशबंधु जी की सुनी। अच्छा, देशबंधु जी नितिन भाई की नहीं सुनी क्या? कोई नितिन भाई की सुनी कि नहीं? नहीं, हाँ। नहीं नितिन भाई की भी सुनी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ देशबंधु जी कह रहे हैं, हाँ। ये बात सही कह रहे हैं, देश में नहीं है कोई चुनौती। अच्छा, क्योंकि देशबंधु जी, हाँ। और इनके नेता देश के लिए बन गए पुनौती। पुनौती है, लीजिए लीजिए, राइम्स पढ़ दिए उन्होंने तो, राइम्स पढ़ दिए, हाँ। ठीक है, हाँ। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, देशबंधु जी और देशबंधु जी की पार्टी की हालत पता कैसी हो गई है? हाँ। मर्द पिक्चर के, हाँ। दारा सिंह की तरह कि हाँ। वो जंजीर में जकड़ा हुआ है, हाँ। और बार बार कहता, तड़पता रहता, मरता रहता है, हाँ। और कहता रहता मेरा बेटा आएगा मुझे छुड़ा के ले जाएगा। अच्छा, तीसरी बात, देशबंधु जी और देशबंधु जी के जो नेता मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं वो बन गए निरुपा राय, कि मेरे दो बेटों को छुड़ा के आएंगे। अच्छा, मुझे हल से छुड़ाएंगे, मतलब ये रोना रीटा रहता है। अच्छा अच्छा ठीक है, अरे भाई अब मैं आ जाऊं, ये तो हुई बात, अब मैं देशबंधु जी पे ही हूं, बिल्कुल वो रखूंगा अपना केंद्र। बचा गया ऐसा तो बोल दिया आपने, हाँ। नहीं अभी अभी तो कम बोला, ये तो देश को बर्बाद कर रहे हैं। आज मैंने योगी जी का एक बयान सुना जिसमें वो कह रहे वोट दे दो और वोट देना ना यूपी यूपी में दंगे होंगे। अच्छा जी, ये बताओ इतना मानसिक संतुलन बिगड़ गया कि योगी जी को ये नहीं पता कि अभी यूपी में नाम नहीं हो रहे हैं, हाँ। अभी 5 प्रदेश दूर जी, आपका आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है जी राज भाई जी। और सब सोचना जी कि आप फांसी पे चढ़ा रहे हो। अच्छा, बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी को फांसी देने का अधिकार नहीं है, वरना मुझको मीडिया में जो उनकी सच्चाई बताते हैं, मेरा जैसा गरीब इंसान अच्छा जो सच्चाई बोलता है उसको भी ये फांसी दे। अच्छा अच्छा ठीक है, अरे देशबंधु भाई, हाँ। दुनिया में एक बात याद रखना, अच्छा सन 2014 में, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, सन 2014 में आपको बहुत प्यार से सुना, अच्छा। लोगों को लगा था एक रॉबिन हुड आया और शायद हमें कल्याण करेगा, अच्छा। और मेरा जैसे व्यक्ति ने सोचा था कि मैंने जो 10 लाख 8 लाख जो एजुकेशन लोन लिया है, हाँ। मेरा बच्चा पढ़कर उसको चुकाएगा, अच्छा। जब उसको 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह मिलेगी तो 25-30 हजार क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ चुका होगा, अच्छा। वो किससे देगा, खत्म होगा। अच्छा, आप अपनी पेंशन से दे रहा है, वो ही बच्चा देख रहा है। जो आपने सन 2019 में वोट मांगा था कि पुलवामा के शहीदों के नाम दे दिए, अच्छा। आपने देखिए मोदी जी ने कभी अपने नाम पे वोट नहीं मांगा, अच्छा। अरे सुन लो यार देशबंधु जी, फिर मैं इतना डिस्टर्ब कर दूंगा आपको जो देश को, अरे बोल क्या रहा है, देश को अरे वो बोल नहीं बोल रहा है, अरे वो कुछ नहीं बोले भाई, आपको मन में लग रहा है, हाँ। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, हाँ सुना। इन्होंने 2019 में किसके नाम मांगा? पुलवामा के हमारे सैनिकों के नाम। अच्छा ठीक है, अब बात खुल गई कि सैनिकों को तो मरवाने में इन्होंने ना इनकी नजरअंदाजी की। अच्छा, अब एक और बात कह रहा हूं, जल्दी बोल लीजिए। प्रधानमंत्री जी, जो प्रधानमंत्री जी हैं दुनिया के
विश्व में अगर किसी गूगल में लिखा है झूठा, उसके आगे ऑटोमेटिकली आता है नरेंद्र मोदी जी। अच्छा लीजिए, अभी देशबंधु जी क्या कह रहे थे, एक बात बहुत अच्छी, एक बात तो उन्होंने सच कही, हमारा कार्यकर्ता, हम लोग चुनाव में लगे रहते हैं। अमा बाबू गुरुदेव, चुनाव चुनाव के समय में लगो, सोने के समय में सो, सुबह उठने के समय उठो, नहाने के समय नहाओ, पूजा के समय पूजे नहाओ। आप तो आप जीते तो चुनाव, आपको देश की जनता से कोई मतलब नहीं, नहीं अच्छा, क्योंकि गौरव भाई ये पाप का वो पापी है, पाप का ये वो पापी है जिसको बजरंग बली जी ने कर्नाटका में गधे से हटाया। अच्छा हाँ, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी घूमे नहीं, वोट वोट डालते समय बजरंग बली का नाम लीजिएगा, मगर चूक कर गए थे। अच्छा, कि वोट बजरंग बली का नाम लेके वोट किसको देना है, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये राम नाम चला रहे हैं, इनके संग पाप पता क्या हो गया, राजभाई हो गया, नहीं एक सेकंड दे दो मुझे, चार सेकंड, हाँ बोलिए। इनको राम नाम, क्योंकि अब ये सब कह रहे हैं हम तो 22 जनवरी को राम को घर घर तक लाएंगे। हाँ, अरे तुम कौन होते हो भाई राम को घर घर तक लाने वाले? अच्छा, अरे पाप के भोगी हो, मैं तो जब पैदा हुआ था मेरी एक उम्र है, मैं समझता था राम मेरे कणकण में बसते हैं, और आप जैसे पापी लोग राम को लाओगे, ये पाप भी आपको 5 राज्य में खा जाएगा। और 2024 में जैसे नितिन भाई कह रहे थे हमारे लोगों की सरकार बनेगी और ये सब जेल जाएंगे। आपसे भाई सवाल, किसकी सरकार बन रही, कौन बना रहा भाई सरकार? नितिन भाई बोले समाजवादी पार्टी सहयोग से बनेगी। हाँ सर, नहीं बनेगी, क्यों नहीं भाई, समाजवादी पार्टी इंडिया का गठबंधन है, क्यों नहीं बनेगी भाई वो गठबंधन? समाजवादी पार्टी हमारा हमारा अलायंस है भाई, वही गठबंधन जहाँ सिर्फ पटुआ हो रहा था बयानबाजी से। मैं खुद पे 5 भाई हूँ। अच्छा, हम 5 भाइयों के 5 भाई की स्टोरी मत सुनाइए, बयान मैंने सुने, आपने भी सुने जी? नहीं वो ठीक है, वो चलता है, इसमें पता क्या करते हैं, ये भी मैं झूठ खेल रहा है आप लोग, है झूठ खेल रहे हैं? नहीं, अगर अभी आप नितिन भाई से पूछोगे तो वो कहेंगे हाँ कांग्रेस और हम लोग सरकार बनाएंगे भाई। देखो दो बातें तो आप याद रख लो, एटलीस्ट कम से कम हम लोग झूठे नहीं है। चलिए ठीक, झूठ सवाल उलझा दिया आपने राज शर्मा, बहुत आधारित सवाल उलझा दिया। मैंने पूछा सरकार किसकी बना रहे हैं, आपने कहा सरकार अपनी इंडिया गठबंधन की बना रहे हैं। अच्छा इंडिया के बना रहे हैं, चलिए ठीक है। अच्छा ठीक है, इंडिया ही की बना रहे हैं, चलिए ठीक है। प्रवक्ता राव, इंडिया इंडिया गठबंधन है, चलिए ठीक, इंडिया गठबंधन, आप INDIA कहते हैं तो बात अलग है। हाँ, इसमें क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे हैं और देशबंधु जी के सारे नेता जेल में जाएंगे। चले ठीक, एक टाइम आने वाला है ठीक, तिहाड़ में सब ये चक्की पीसेंगे। चले ठीक, चले ठीक, वो देखते हैं। चले ठीक, प्रवक्ता लालू आशीष तिवारी, आशीष भाई आप भी पश्चिम की तमाम सीटों पर अपना दावा ठोकते नजर आ रहे हैं और गठबंधन में साथ है। गठबंधन INDIA की बात तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी हुई है उसकी चर्चा नहीं करेंगे, पर हाँ समाजवादी पार्टी के साथ आप पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और एक गठबंधन में जो महत्वपूर्ण जो एक आधार होता है उसमें आप लोग, आप और समाजवादी पार्टी गठबंधन काबिल तारीफ है, दो राय नहीं है, खुले मन से यहाँ पर तमाम जगह कहा गया कि हम एक हैं। पर यहाँ पर जिस तरह से चुनौती की बात देशबंधु दीक्षित बोल चुके हैं, कोई चुनौती नहीं है और लगातार BJP मेहनत कर रही है और संघर्ष कर रही है और रणनीति बदलने जा रही है। रालोट की क्या रणनीति है कि पश्चिम में अपनी महत्वपूर्ण सीटों पर दावा ठोकेगी और यहाँ पर जीत हासिल करेगी क्योंकि BJP अपनी 80 सीट जीतने की पूरी कोशिश शुरू कर चुकी है और जीतने की पूरी तरह से कहती नजर आ रही है। देखिए गौरव भाई, पहले मैं BJP से ही शुरू करता हूँ, मैंने देशबंधु जी के वक्तव्य को सुना, बड़ा सुंदर बोलते हैं, सुंदर बोल रहे थे, लेकिन जैसे इनके प्रधानमंत्री के अंदर घमंड कूट कूट के भरा है। अच्छा, घमंड क्या भरा है? कूट कूट के, कूट कूट भरा है, क्योंकि जब वो मंच पर होते हैं तो मैंने कभी इतना घमंडी भाषण किसी का सुना ही नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। अच्छा, आप समझ लीजिए, यहाँ इंसान की एक सेकंड की गारंटी नहीं है, वहां पर मोदी जी ने पूरे देश की गारंटी दे दी, ठीक है, पूरे देश को गारंटी दे दी कि ये मोदी आपको गारंटी दे रहा है। अच्छा, तो ये देशबंधु भाई भी अगर 80 से 80 सीटें भाई दे सकते गारंटी अगर ये, अरे प्रधानमंत्री रहेंगे तब ना। अच्छा, यही यही तो इनका अति उत्साह तो यही है। आप देखिए, अच्छा, कोई चुनाव नहीं हो गया कि चुनाव होने के बाद में वो प्रधानमंत्री बन गए हों, अच्छा, उसके बाद ये गारंटी कहा था भाई
पन्ना से कहा था, प्राचीर से कहा था, लाल किले प्राचीर से। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूं ना, नहीं मैंने सुन लिया था ना। हाँ। उसके बाद अभी 2024 में चुनाव है ना। अच्छा अच्छा। चुनाव होने के बाद में अगर जैसे इस तरीके की कोई घटना हुई होती तो मुझे समझ में आता कि इनके पास अभी 24 से लेके 29 तक का टाइम है। अच्छा। तो ये कोई गारंटी वारंटी दे दें, 10 सालों में नहीं दे पाए। अच्छा। अब ये अगले 5 सालों में गारंटी देने के लिए खड़े हो गए हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता। ठीक। लेकिन इतना घमंड भरा भाषण मैंने अपनी लाइफ में किसी, इतने प्रधानमंत्री हो गए मैंने किसी के मुंह से कभी नहीं सुना। अच्छा अच्छा। और इस बात को मानना चाहिए। इसलिए अभी जो देशबंधु भाई ने कहा तो उसको मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा कि 80 में ये 80 में 90 भी जीत सकते हैं। ये तो इतने उत्साही हैं। 19 सीटें भी है नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये 80 में 90 जीत सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि अभी हम 90 सीटें जीत जाएंगे, 80 है नहीं। लेकिन अब जब, चूंकि जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने तब ये गारंटी दे रहे हैं, तो ये बताएंगे कि 10 सीटें जब भी कभी भविष्य में आएंगी मैं उसको भी जीत लूंगा। अच्छा। तो ये इनका आत्म उत्साह है। और मैं आपको बताऊं, ये 80 तो छोड़ दीजिए, नितेन भाई ने हमारे इनको इकाई में दे दिया आंकड़ा। मैं तो कह रहा हूं कि भारतवर्ष की वो हालत कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा। कि अगर ये एक सीट भी जीत जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जनता जनता उस लेवल पे परेशान है इनसे। आज इनसे किसान परेशान। अच्छा। आज इनसे व्यापारी परेशान, आज इनसे मध्यम वर्गीय परेशान, आज इनसे कौन नहीं परेशान है, हर व्यक्ति इनसे परेशान है। ये कि कौन इनको वोट देने जा रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा भाई। अच्छा। मैं यूपी की अगर बात कर लूं तो ये 80 सीटों में, मैं इनसे कह रहा हूं एक सीट अगर इनको मिल जाए बहुत बड़ी बात। हाँ, नितेन भाई का मैं समर्थन इसलिए कर दूंगा क्योंकि अगर इनको 6-9 सीटें मिल जाएं, वो भी किसकी वजह से मिलेंगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। बता दीजिए। एक तो पीएम की जो गारंटी है। अच्छा। तो उस गारंटी के झांसे में जितने लोग आ जाएंगे। अच्छा। वो इनको वोट दे देंगे। ठीक है। हो सकता है उससे मिल जाए। बाकी ईडी का आशीर्वाद। अच्छा। इनको मिला हुआ है। अच्छा। ईडी के आशीर्वाद से इनको मिल सकती है। ठीक है। सीबीआई के आंतरिक स्नेह से जो प्रज्वलित हो रहा है स्नेह इनके लिए, तो उससे मिल सकती हैं। तो ये 2-3-4 घटक हैं। अच्छा। ये मिला के ये 8-9 इनको कहीं से मिल सकती हैं। अच्छा। हाँ, दबाव देकर जो दहाई नहीं जा रहे हैं, दहाई नहीं जा रहे हैं, दहाई ना ना, दहाई तो आप छोड़ दीजिए। अच्छा। हाँ, दहाई तो छोड़ दीजिए, वो भी हमारे भाई ने चूंकि इकाई का मामला बोल दिया। अच्छा। इसलिए हम इंडिया गठबंधन में है तो इधर हम उनका सम्मान कर देंगे। अच्छा। नहीं तो मैं तो 0 सीट देने के मूड में था। चल ठीक है, ठीक है। तो अभी लगता है आपका किस्सा बोल रहा है। नहीं नहीं, हमारा किस्सा नहीं, अभी लगता है लालू का किस्सा बोल रहा है। देखिए, हम पीड़ित हैं। अरे आपको कितनी मिली अपने बताइए पहले। हमको तो हमारी इंडिया गठबंधन, जब इनको 0 मिल रही तो हमको तो 80 मिल ही रही है भाई, किसी को तो मिल रही है। आपको कितनी मिल रही है? 80 की 80 सीटें मिल रही है। आरएलडी 80 में लड़ रही क्या? आरएलडी नहीं, यहाँ आरएलडी सपा कांग्रेस का कोई मैटर ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारा इंडिया गठबंधन है, आप इसको बांटने का प्रयास मत करिए। मैं क्या बांट रहा हूँ? आपके नेता बांट रहे हैं, हमारे नेता नहीं बांट रहे। अच्छा अच्छा। ये आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जो है ना, वो यहाँ बैठ कर मुझे ट्वीट आ रहा था, खीर वाला, वो खीर वाला जाता होगा, बिरयानी वाला। क्या भाई, कुछ लोगों को खीर पसंद है, कुछ को बिरयानी पसंद है, हम लोगों को खीर पसंद है। चलिए, तो हम लोग इंडिया गठबंधन जो है वो 80 की 80 सीटें जीत रहा है। और ये इसके पीछे का मैं रीजन बता दे रहा हूँ। हाँ। रीजन उसका सिर्फ ये है, ठीक है, कि ये जनता जो है वो जनार्दन है, आपको भी पता है, ठीक है, और आप भी कहते हो, तो जनता इतनी त्रस्त है, ठीक, और ये जनता ही इंडिया गठबंधन को जिताएगी, ठीक है, और इंडिया गठबंधन को 80 की 80 सीटें। दिलीप बोलेंगे, दिलीप भाई बोलेंगे, दिलीप भाई आपने सबको सुना और INDIA की बात भी आपने कही थी, अगर INDIA यहाँ चुनाव लड़ेगा तो नुकसान हो सकता है। पर जिस तरह से यहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रत्याशी उतारे गए अलग पार्टी द्वारा, राजस्थान में भी प्रत्याशी उतार दिए गए, हरार सामने आए, बयानबाजी सामने आई, आपकी समीक्षा क्या कहती है? क्योंकि यहाँ पर सबके बयान आपने सुने, कोई यहाँ पर बीजेपी 80 बात कर रही है। प्रवक्ता सपा ने कहा था कि इकाई तक पहुँचेंगे, दाही नहीं पहुँचेंगे। राज शर्मा यहाँ पर अलग ही एक लॉ बताई, अलग ही यहाँ पर व्याख्यान दिया था। और आशीष तिवारी ने 80 सीट जीतने का दावा कर दिया है INDIA गठबंधन की जीत का, कैसे देखते हैं दिलीप भाई? जी। लेकिन थोड़ा वास्तविकता के पास हो तो अच्छे लगते हैं। क्या बात है। हाँ। भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि 80 की 80 जीतेंगे, ये भी थोड़ी अतिशयोक्ति में चले जा रहे हैं। जी। अभी जो रालोद के हमारे मित्र कह रहे थे कि ये गुटकी नहीं जीतेंगे, इन्होंने तो अतिशयोक्ति की हद ही कर दी। लीजिए, हद कर दी। उन्होंने कहा कि दाई तक ही पहुंचेंगे, उन्होंने अतिशयोक्ति को थोड़ा मध्यम वर्ग में रखा है। चलिए, तीनों के तीनों लोग अतिशयोक्ति में चले जा रहे हैं। जी।
आने वाले अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें और उसका आकलन पांच राज्यों के चुनाव से जो विधानसभा चुनाव और उसको लेकर के करें और इंडिया गठबंधन का जो रोल इन पांच राजियों के चुनाव में रहा, अभी रालोद जी पर हमारे कह रहे थे कि हम लोग इसको कह रहे हैं कि गठबंधन में रार आ रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, आप लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। आपके जो बयान आते अभी देखिए, अखिलेश जी ने थोड़े दिन पहले कहा था कि ये कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने जातीय गठबंधन इस देश में नहीं होने दिया, जिससे धोखेबाज पार्टी है, वोट नहीं देना। बाकी मध्य प्रदेश में और क्या क्या हुआ ये आपने सुना ही था, सुना मैंने बयान रखा। आम आदमी पार्टी किस तरीके से आप कह रही है, तो कुल मिलाकर के मैं इस बात का समझ दूसरी तरीके से कर देता हूँ भाई, की जो गठबंधन की 24 पार्टियां हैं, प्लीज यहाँ कोई प्रवक्ता नहीं बोल रहा है, बोलने दीजिए, बोलिए दिलीप भाई, बोलिए। 24 पार्टियां जो गठबंधन की हैं, उनका एक स्टेटमेंट अभी तक निकल के आ रहा है कि हम विधानसभा में गठबंधन नहीं करेंगे, हम लोकसभा में गठबंधन करेंगे। इस बात पर अभी विश्वास किया जा सकता है जी, और इस विश्वास की प्रामाणिकता आपको 15 दिसंबर तक मिल जाएगी। अच्छा, 15 दिसंबर के बाद ये तय हो जाएगा जी, कौन कहा कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़के भाजपा को हराएगा या चुनाव लड़के भाजपा को जीतना शर्तीय पक्का कर देगा। लीजिए, जिस तरीके से अभी चल रहा है इंडिया गठबंधन, अगर यही चला तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भले प्रवक्ता मेरी बात का बुरा मान जाए, कि भाजपा की सरकार आएगी ही आएगी। लीजिए, और अगर आप लोगों ने अपने इरादों में बदलाव कर लिया और जनता को विश्वास दिला लेंगे कि हाँ आप लोकसभा में एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे और कोई किसी की टांग नहीं खींचेगा, तो भाजपा के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा, ये भी सत्य है। तो संभव है कि आप एक साथ होंगे, संभव है दिलीप भाई एक साथ सत्य को सत्य में जी, ये संभव हो सकता है एक साथ रहेंगे क्या 15 दिसंबर के बाद? ये मुश्किल, मैं वही कहने जा रहा था, इस सत्य को सत्य में परिवर्तित करने के लिए बड़े सैक्रिफाइस की जरूरत है। लेकिन एक डायलॉग आता है ना फिल्म का कि बलिदान देगा कौन, लीजिए कुर्बानी देगा बलिदान कौन? देने को कोई तैयार नहीं है। अच्छा, तो जब आप बलिदान नहीं देंगे, अपनी अपनी ईगो से बाहर निकल के नहीं आएंगे, समाजवादी पार्टी अपने आप को पूरे उत्तर प्रदेश का राजा मानती है, राष्ट्रीय लोकदल अपने आप को उत्तर प्रदेश के पश्चिम का राजा मानती है, इसी तरीके से जो अन्य दल है वो अपने अपने प्रदेशों में अपने को राजा मानते हैं, राजा हैं जी। लेकिन आप जब एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो आपको राजा के पद से हट के लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, आपका राजा का पद भी बना रहे और आप जनता के दिल में भी चले जाएं, ये संभव नहीं हो पाएगा। ये इस देश की जनता भी समझती है, आप सत्यता की धरातल को समझ के चलिए। आप राजनीतिक लोग हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को इतना समझते हैं कि जनता क्या पसंद करती है। अब आप राजनीति का ट्रेंड उठा करके देख लीजिए, दशकों से जनता मिक्स गवर्नमेंट नहीं पसंद कर रही है, बिल्कुल ना राज्यों में और ना केंद्र में, स्पष्ट कहा, फुल मेजोरिटी की सरकार पसंद कर रही है जनता, और फुल मेजोरिटी की सरकार उसी की होती है जिसके ऊपर जनता का विश्वास होता है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीतेगी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे काम खराब किए हैं, नहीं बननी चाहिए सरकार, लेकिन जनता के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इसलिए भाजपा की सरकार बनेगी। लीजिए, ठीक है देशबंधु भाई, कोई विकल्प नहीं ऐसी बन सकती है, बाकी खुश ये भी नहीं, दिलीप भाई भी नहीं है, बोल लिया है, बाकी तीन को सुन लिया, इनको भी सुन लिया, जवाब आपको देना है, गुस्सा मत होइए, जवाब आपको देना है। नहीं गौरव भाई, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, 30 सेकंड नहीं, पूरा दूंगा, नहीं पूरा 5 मिनट आपके लिए, सबने बोला है तो मैं 5-5 सेकंड अगर सबको दूंगा तो 5 सेकंड बाद खत्म हो जाएगी। नहीं बोलिए, समझ समय आपके पास। सबसे पहले तो कांग्रेस के एक प्रवक्ता है, उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का यूज किया, इसकी मैं भर्त्सना निंदा करता हूँ, बिल्कुल, और ये उनकी कुछ सी मानसिकता। देखिए प्रधानमंत्री सबका होता है, अरे सुनिए पहली बात, नहीं 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 कोई जवाब लेने वाली, ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। दूसरे रालोद के प्रवक्ता ने जो कहा, अरे आप बदतमीज आदमी हो, चले आ रहा हूँ, अगर देश के चले आ रहा, आराम से बात करिए, आराम से बात करिए, रॉबिन हुड और ऐसे शब्दों का उपमा देते हो तो तुम्हारी प्रधानमंत्री को जर्सी गाय दे दे, कहीं शर्म नहीं आएगी। और दूसरी बात, रालोद के प्रवक्ता ने जो कहा, गौरव भाई प्रधानमंत्री देश का होता है, भाजपा का प्रधानमंत्री पर बहुत गर्वान्वित होकर कहा, गौरव भाई इस बात का ध्यान रखना चाहिए, एक लोकतांत्रिक देश की चुनी हुई देश की 140 करोड़ जनता ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। पहले सुनिए आप, दूसरे आप सुनिए,
राज भाई पिल्लई तुम क्या बोलोगे, तुम्हारा दिमाग ही नहीं है। और दूसरी बात, हनुमान जी की और राम जी की बात करते हो, राज भाई सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके तुमने जो राम के अस्तित्व का नाम दिखाया है और कभी मान खाने वाले तुम लोग नास्तिक व्यक्ति हो। 2% की हैसियत है और मध्य प्रदेश में, राज भाई आप लगातार बोलेंगे, राज शर्मा जी आप लगातार बोले, समझ में नहीं आएगा। और अभी राज भाई आपको मौका दूंगा, और 2014 से, और एक बात और बता दूं, 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, 2024 भी हारोगे। अच्छा, और उसके बाद बता दूं आपकी स्थिति ये है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में दम्भ भरते थे, गौरव जी झूठे लोग हैं, भरते थे आप लोग, देश को बेच रहे हो, आप लोग देश को बेच रहे हो, आप लोग देश को बेच, देखो डिप्रेशन में आ जाओगे देशबंधु भाई, आप डिप्रेशन में आ गए हो देशबंधु भाई, आप डिप्रेशन में आ गए हो, अरे आप डिप्रेशन में हो इस बार, आपकी पार्टी है, आपकी मनोदशा बिगड़ गई है, आपकी मनोदशा बिगड़ गई, अरे छोड़िए, आपको तो शर्म आनी चाहिए भाई, देश को बेच दिया, नौकरियां खा गए, कोई काम नहीं कर रहे हो, बस राज भाई आप लगातार बोलेंगे तो आपकी आवाज भी नहीं आएगी। प्लीज मैं आपको पूरा मौका दूंगा, राज भाई पूरा मौका दूंगा आपको, अभी शांत रहिए, प्लीज बीच मत बोलिए, ऊर्जा मत दिखाइए, चले हो गया, और भाजपा बिहारी वाजपेयी भी हारे थे, पागल हो गए हो, और वाजपेयी भी हारे थे, शर्म करो देशबंधु जी, और देश का मनोदशा बिगड़ी हुई है, चले हो गया, अगर और देश का प्रधानमंत्री, चले, मैं आप लोग रोना चाहूंगा, मैं आप दोनों को रोकूंगा, हो गया देशबंधु भाई और राज भाई, आप दोनों को रोकूंगा, दोनों रोकिए, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, भाई कुछ नहीं आता, देशबंधु भाई प्लीज, राम बाबू चले, देशबंधु भाई हो गया, देशबंधु जी जीत हो गया, चले हो गया, कभी राम का नाम करते हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में नाम नहीं आते, चले हो गया, देशबंधु भाई, राज भाई प्लीज, छोड़ो, आप लोग अगर शांत नहीं होंगे तो मैं डिबेट खत्म कर दूंगा, प्रधानमंत्री के ऐसी बात से कहूं, चलो ठीक हो गया, चले हो गया, चले हो गया, कुछ नहीं आता तुम, राज भाई चले हो गया, चले हो गया, राज भाई और देशबंधु भाई, मास्टर मत बनना बता रहा हूं, चले राज भाई सुनिए, आप लोग एक सर, प्लीज प्लीज, अरे बेवकूफ हो, चलिए सुनिए, हो गया आप पाखंडी हो, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का यूज करोगे तो तुम पागल हो, और तो ऐसे मानसिक लोगों का इलाज कराना चाहिए, हो गया, और आपको बता दें कांग्रेस 2% स्थिति है, और आपकी देखना आपकी राय बरेली और अमेठी भी हार जाओगे, चले ठीक है, यही स्थिति रही उत्तर प्रदेश, चले हो गया, ये आपको राजनीतिक हैसियत आजमा लेना और समाजवादी पार्टी का सपोर्ट नहीं रहेगा, अच्छा मेरे भाई द्वार भी नहीं खड़ा कर पाओ, हार्ट अटैक हो जाएगा देश बंधु जी, अरे हार्ट अटैक हो जाएगा, जैसे लोगों को होता है देश बंधु, देश बंधु दीक्षित भाजपा का कर्मच पाई है, मानसिक इलाज कराओ, प्रधानमंत्री बहुत पूजे लिए बंदनी है, देश का नागरिक है, क्रिया करना सीखो, राज भाई आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, राज भाई चले, पंडित बयान कोई भाई आचार प्रेम का पढ़े जो पंडित होए, तुम्हारी हैसियत है आना राय बरेली, उत्तर प्रदेश में आओ ना, उत्तर प्रदेश छोड़ दे तुम्हारे कांग्रेस के नेता, उत्तर प्रदेश डिबेट अगर आप करेंगे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश, राज शर्मा जी प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, मैं डिबेट डाउन कर दूंगा अगर आप ऐसे बोलेंगे, प्लीज आप डिबेट का माहौल मत बनाइए, बारी बारी बोलिए, जनता सुन रही है, आप लोग कैसे बोलते हैं, बारी बारी बोलिए, आप लोग अच्छे प्रवक्ता है भाई, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चों की तरह लड़ रहे हैं मेरे भाई, प्लीज अरे पानी पियो आप, मैं तो पानी पी लूंगा भाई, राज भाई आप पानी पी लीजिए थोड़ा सा, आप भी पानी पी लीजिए, चलिए ठीक है, मैं नितिन भाई को लूंगा, नितिन भाई कुछ बोल रहे थे आप, अरे आप पानी पियो यार, ठीक है, इलाज करो, दवाई खाओ यार, चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बेरो साथ में पानी पिलाते, चलिए हो गया, चलिए हो गया, चलिए ठीक है, लीजिए नितिन भाई, नहीं तुम अपने तरीके से समझाना आता है, अरे सबको भाई चलिए ठीक है, दूसरे तरीके से, अरे हो जाओ तो कुछ बात की जाए, चले हो गया, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं नहीं सुनूंगा गौरव भाई, चले ठीक हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, अरे ऊर्जा आ गई, मैं भी नहीं सुनूंगा, मैं दोनों को म्यूट करवा लूंगा अगर आप लोग ऐसे करोगे, मेरे लिए
मैं दोनों को म्यूट करवा, अब मैं दोनों को म्यूट करना मजबूर हो जाऊंगा। प्लीज नितिन भाई अपनी बात पूरी कर, नितिन भाई बोलेंगे, बोलिए नितिन भाई कुछ बोल रहे थे जी। पहली चीज हाथ जोड़ लिया आपने, दोनों राष्ट्रीय पहलवानों को आपने जबरदस्त जोर करा दिया है। राष्ट्रीय पहलवान क्या बात है, ये क्षेत्रीय पहलवानों को कहीं मैदान में आने नहीं दे रहे। क्या बात है, दोनों हाँ दो राष्ट्रीय पहलवान है। क्या बात है, अच्छा ठीक है, हाँ राष्ट्रीय पहलवान है जी, गौरव ब्राह्मण ही है। और एक बात कहना और मैं एक बात कहना चाह रहा था कि देश बंधु भाई थोड़ा छोटा दावा कर रहे हैं। अच्छा छोटा दावा कर रहे हैं, ये 80 की बात क्यों कर रहा है, ये तो राष्ट्रीय वाले हैं। अच्छा। इन्हें तो 543 की बात करनी चाहिए। 543 यार आप कैसी बात कर रहे हैं, आप आपको मध्यप्रदेश की हैसियत मिल गई ना गौरव भाई, ये यार यार नहीं पसंद आता। अरे आप निरूपा राय बोल रहे हो, यार पे तकलीफ होने लगी, ये कौन सी बात है, आप रॉबिन हुड और निरूपा राय बोलोगे यार बोल दिया तो आपको तकलीफ है। अरे छोड़ो यार बंधु जी, हम आपके दिमाग नहीं कर सही, चलो ठीक है हो गया, अगर हम यार हैं आप क्या हो, बंधु भाई हम बोल रहे हैं, हमें बोलने दो, आप लोग शांत हो प्लीज, अगर आप लोग बोलोगे मैं दोनों को म्यूट कर दूंगा। नितिन भाई बोले, नितिन भाई बोलिए अपनी बात पूरी करिए, बोलिए नितिन भाई बोलिए जी। हमने कहा देश बंधु भाई थोड़ी छोटे दावेदारी कर रहे हैं, ये 80 की बात कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूं कि इन्हें पूरे 543 की बात करनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात, पूरे देश में 543 सीटें जीतने का दावा करें तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए इन्हें करना चाहिए। दूसरा मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि देश का प्रधानमंत्री है जी, वो सबका प्रधानमंत्री होता है, उसके लिए कोई ऊंची बात कहना थोड़ा ठीक नहीं होता है, बात है। लेकिन ये बिल्कुल ये पद की मर्यादा होती है। और मैं गौरव जी दो बातें कहता हूँ, कुछ पद ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को प्रतिष्ठित करते हैं जी, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पद को प्रतिष्ठित कर देते हैं। क्या बात है, तो मौजूदा समय में जो परिस्थितियां हैं जी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के चूंकि जी जो पद है वो बहुत बड़ा पद होता है जो व्यक्ति को प्रतिष्ठित करता है, बहुत सारे देश में ऐसे व्यक्तित्व भी जिन्होंने पद को प्रतिष्ठित कर दिया है, हम कहते हैं ना फला पद में प्रतिष्ठित है जी। तो आज लेकिन जिस तरीके की बात माननीय प्रधानमंत्री जी देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए कहते हैं, तो ऐसे मामले में हमारे देश बंधु भाई को भी कम से कम आत्मालोचना लेनी चाहिए। हम इनकी बात कहते हैं कि देश का कोई प्रधानमंत्री है तो उसके खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, उसकी पद के अनुरूप ही की जानी चाहिए, लिए भी नहीं होनी चाहिए। जब उस पद में बैठा व्यक्ति अगर पूर्व प्रधानमंत्रियों के प्रति इतनी अशोभनीय टिप्पणी करे, देश के विपक्ष के नेताओं के प्रति अशोभनीय टिप्पणी करे, ऐसी टिप्पणी जो हमारे जैसे व्यक्ति रिपीट भी नहीं करना चाहे चैनल में, किसी को कुछ बोल देना, किसी को कितने लाख की गर्लफ्रेंड बोल देना, किसी को विधवा बोल देना, किसी को दीदी वो दीदी बोल देना, इस तरीके की अगर टिप्पणी प्रधानमंत्री करते हैं तो ऐसे लोग प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उसको भी कहीं ना कहीं कलंकित करने का काम करते हैं, ये बात तो कही जा सकती है। बिल्कुल कही जा सकती है। एक बात जी, अब बात आती है कि हमारे भाई एक दूसरे का मानसिक इलाज करवा रहे हैं, पहलवान बिल्कुल ठीक है करा बिल्कुल वो मानसिक इलाज एक दूसरे आपने का बड़ा नाम दिया, राष्ट्रीय पहलवान बोला भाई, दोनों राष्ट्रीय पहलवान है जी। हाँ नहीं राष्ट्रीय पहलवान है दोनों तो बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना ही इस देश की चिंता है जी, ये देश आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा। अभी देश बंधु भाई घोटाले की बात कर रहे थे, जरा एक आध महा घोटालों की भी चर्चा कर लो। देश इतना तो होना चाहिए देश में लोकतंत्र कि हम किसी की आलोचना करें, लेकिन अगर हमसे कहीं गलती हो जाए तो आत्मालोचना भी कर लें। जरा ये पीएम केयर फंड एक है, ये बताओगे कि सरकारी है कि प्राइवेट, बता दीजिए प्राइवेट है तो कितना पैसा आया और ये पैसा आया तो किस बात पे खर्च हुआ, क्या कभी इस पर चर्चा करेंगे? आरटीआई में नहीं है वो, इस देश में वो 20,000 करोड़ से बाद 32,000 करोड़ रुपया जो है वो किसका है, क्या कभी बताएंगे क्या? अच्छा ये जो तमाम फ्रॉड लोग जिनको आप गोल्डन पासपोर्ट जारी कर चुके हैं देश में, जिनको तमाम नागरिक, उन पर कोई कार्रवाई करेंगे क्या? क्या बात, ये जो भाग जाते हैं तमाम, किसी अगर नाम ले लें तो बोलेंगे फलाने सरनेम को क्यों कह दिया गया, कि तमाम मोदी और तमाम जो ये देश छोड़ के भाग जा रहे हैं उनका क्या करेंगे? अच्छा। उनको कभी वापस बुलवाएंगे? ये सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी करते रहेंगे। आप कहेंगे 15 लाख रुपए आएगा आपके खाते में आ जाएगा, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा, किसानों की आय बढ़ जाएगी, 25 करोड़ परिवार, और प्रधानमंत्री बोलेंगे 125 करोड़ परिवारों ने सब्सिडी छोड़ दी।
तो जब वो यही कहते हैं 125 करोड़ परिवार है और 125 करोड़ लोग सब्सिडी छोड़ देते हैं उनके नाम पर। अब इस तरीके की बातें अगर प्रधानमंत्री कहेंगे, गुरु नानक देव, संत कबीर और गुरु गोरख नाथ एक साथ बैठ करके मीटिंग करेंगे, तब तो फिर प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ कहना पड़ेगा ना कि ये क्या है, इनके नाम के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, इनका बौद्धिक ज्ञान कहाँ से चला जाता है। इसलिए जवाब ले, जवाब लेता हूं। जोर भी मत लगाओ, जवाब लेता हूं। इतना भी जोर मत लगाओ कि गले की नस फट जाए। चलिए ठीक है बंधु भाई, चलिए सच्चाई को स्वीकार करना। जवाब जवाब लेता, जवाब लेता हूं। फिर मैं हमारे राज भाई कुछ जोश में ज्यादा बोल जाए। चलिए राष्ट्रीय पहलवान है, चलिए स्वीकार। बंधु भाई नितिन, मैंने दो बातें कही आपको, प्रधानमंत्री पद की बात की और तमाम उन्होंने बौद्धिक ज्ञान की बात की, और आपसे कहा कि आप छोटी बात करते, 543 की बात करी। जवाब दीजिए फिर आशीष तिवारी को लेता हूँ। बोलिए बंधु भाई, नहीं खुश हुए कि नहीं हुए आप? आप बताइए मध्य प्रदेश में कहां लड़े, कैसे आप 543 की बात करते हैं? आपके तो घमंडिया गठबंधन ने आपके बड़े भाई छोटे भाई आज तक यही स्पष्ट नहीं हुआ, एक सीट तो दिया नहीं, आप लड़ कहां पाओगे? ये तो जवाब ले लो। दूसरी बात आपको बता दें, अरे चाहे सुनिए 500 वर्षों का राम मंदिर मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मतलब हो, वन रंग वन पेंशन हो, जल देने की बात हो, बिजली देने की बात हो, आवास देने की बात हो, आयुष्मान देने की बात, कार्ड देने की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, घर की बात हो, शौचालय की बात, जो दिया भारतीय जनता पार्टी ने दिया, आप लोगों ने क्या दिया? लूट खसोट दी, लूट खसोट दी, घोटाले दिए, नारी शक्ति बंधन के नाम पे ब्लैकमेल करते थे, बिहार के मुख्यमंत्री भी चिपका के आधी आबादी पे ऐसा भाषण देते हैं। अरे आप बताओ, आप बताओ कितने पे लड़ोगे? उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष में आओ, कितने पे? 545 में आपकी राजनीतिक हैसियत कहाँ है? कहाँ लड़ोगे आप? आप उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में 65 आप ले लोगे, 80 पे कांग्रेस लड़ेगी, 80 पे रालोद लड़ेगा, 80 पे सपा लड़ेगी, तो 240 तो आप उत्तर प्रदेश में बांट लिए, तो 543 में 240 तो आपने बांट लिए। और रही बात, आप बताओ देश के सारे मुद्दे जो है, जो दिया भारतीय जनता पार्टी ने दिया, आप लोगों ने खाली हाउस, लूट खसोट देखिए, ये गौरव भाई लूटने खसोटने का गठबंधन है, जो जितना लूट ले, अली बाबा 40 चोर और 40 चोर जितना लूट ले, और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, जनता से जुड़ा लगा होना चाहिए, जनता के लिए नित नए संघर्ष करने चाहिए, जनता के सुख दर्द में साथ होना चाहिए, कमरे के अंदर ट्विटर पहनने से नहीं होता है। मध्य प्रदेश में एक सीट नहीं मिली आपको, रालोद को राजस्थान में एक मिली, और 240 पे बंटवारा कर रहे हो, कहां से 543 का हिसाब करते हो? आपकी गणित जो है बहुत अच्छी है, उस गणित के फार्मूले पे टिके रहो, और 2024 भारतीय जनता पार्टी आशीष बोलेंगे, आशीष तिवारी बोलेंगे रालोद से। देखिए गौरव भाई, अली बाबा 40 चोर नहीं है, अली बाबा 38 चोर है, क्योंकि एनडीए में 38 गठबंधन में दल है, तो अली बाबा 38 चोर है। आप कहां लड़ोगे ये बता दो पहले। हम तो यूपी लड़ रहे हैं ना, यूपी लड़ रहे हैं, तो बोल दिया समाजवादी ने। आपकी हैसियत क्या है? राजस्थान में तो एक मिल गई हैसियत, चलो एक पता चल गया, राजस्थान के में एक हैसियत है। ये भाई बोल लेंगे तब मैं बोलूंगा। गौरव भाई एक मिनट दे दो, मैं रुका रहा हूं। मैंने अली बाबा 38 चोर है, अच्छा 40 चोर नहीं है, अभी दो इनके और भी कोई आएंगे। बारे में बता रहे हैं? नहीं, हमारे बारे में नहीं बता रहे हैं, लगभग है ऐसे लोग हैं बहुत सारे, 38 ही है ना एनडीए में, 38 घमंडिया मैंने आपको बताया ना, घमंडिया हमारा नहीं है, घमंडिया बीजेपी का है, जो गारंटी देता है, जो गारंटी देता है मोदी की गारंटी, ये जो मोदी गारंटी वाला घमंडिया है। देश बंधु भाई कंप्लीट कर लेने दीजिए, दो मिनट बचे। घमंडिया हमारा नहीं है, घमंड से भरा हुआ आपका गठबंधन है, हर चीज में आप ये समझ लिए कि गठबंधन में आपके घमंड है, तो घमंडिया हमारा नहीं है, हमको तो आप यूं ही बदनाम करने में लगे हुए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन हारने वाला है।
आपके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। आप गरीबी पे, आप गरीबी पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचारी पे, विराज भाई आपको लूंगा, हसीन सब पे सच करेंगे। हसीन भाई हो गया, दिलीप भाई हो गए, दिलीप भाई बोलेंगे, दिलीप भाई, दिलीप स्पर्धन जुड़े हुए हैं। दिलीप भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? दिलीप दी, दिलीप भाई शायद दिलीप भाई का संपर्क टूट गया। राज भाई अपनी बात पूरी करिए, जब खत्म करता हूँ। बोलिए राज भाई, क्या बोलना चाह रहे थे आप? मैं बस देशबंधु भाई से एक रिक्वेस्ट, आपको बड़ी पदवी मिली है यहाँ पर, नितिन भाई दिए राष्ट्रीय, आप क्षमा मांगिए प्रधानमंत्री से, मैं आप देश के प्रधानमंत्री साहब ने गलत शब्द दिया, दिलीप भाई ने सारे जवाब दे दिए, इतना ना कहता है देशबंधु जी, सुन लो बात, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, मैंने एक शब्द कहा था कि आपको नहीं है चुनौती, आप देश के लिए बन गए चुनौती, लेकिन आप हमारे लिए मत बनो चुनौती, अच्छा। क्योंकि आप इतना गुस्सा करते हो भाई, हाँ। अरे नहीं करना है भाई, अच्छा नहीं करना है, अगर आपको कुछ हो गया, अच्छा। तो देश बंधु भाई दोबारा मिलेंगे, हम इस उम्र में गुजर गए, आप मेरी ना चिंता करिए, हम इस उम्र में घूम रहे भाई, आएंगे देश बंधु भाई, हार्ट अटैक हो गया, दोबारा नहीं मिलोगे, पहले मेरी बात ये बताइए, अब दूसरी बात बता दो, प्रधानमंत्री जीत रहे, महासचिव जी आएंगी कि नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रचार करने 2024 में आएंगे कि नहीं, अच्छा मुझे एक बात नहीं जाएंगे, अमेरिका तो नहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश आएंगे कि नहीं, चुनाव प्रचार करने, उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार करने आएंगे कि नहीं, उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं एमपी निकम्मे हैं, सीटों पे लड़ रहे हैं, उनकी लिस्ट दे दो बस, कितनी सीट पे लड़ रहे हैं, नहीं नहीं किसी के प्रवक्ता ने मुझसे कहा था आएंगे कि नहीं प्रचार करने, डिबेट पे कहा था, अरे हारने का बात तो आए नहीं, 35 एमपी निकम्मे हो गया, आप सभी का महत्वपूर्ण चर्चा जुड़ने का धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर तमाम शब्दों पे गई, यहाँ निरूप